हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले इंटर क्लास एनसीईआरटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर का नाम है, क्वेश्चन का नाम है, समांतर प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला 2022 के लिए, जो हर साल के साल आता है। देखिए 11 से लेकर 12 13 14 15 16 17 18 19 तक लगातार पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर का, तो देखिए इसको समझिए। माना एक्स और दो बाई क्या है, दो समांतर प्लेटें हैं। समांतर मतलब एक दूसरे के बराबर है, तो उसको बोलते हैं समांतर प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, डी है। डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, बीच की दूरी क्या है, डी है। तथा प्लेटों के बीच में, इन प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक यहाँ पर के भरा हुआ है, तो ये सारा का सारा के भरा हुआ है, जिसे आवेशित करने के लिए देखिए प्लस के आवेश दिया गया है। इन प्लेटों को आवेशित करने के लिए क्या, प्लस के आवेश दिया गया है। प्लेट बाई को किसको, प्लेट बाई को माइनस के आवेश दिया गया है, प्लेट एक्स को प्लस के आवेश दिया गया है। प्लेट बाई को पृथ्वी से जोड़ने पर देखिए, प्लस पृथ्वी से इसको जोड़ दिया है। पृथ्वी से जैसे जोड़ेंगे, सारा का सारा जो इसका करंट था, ये पृथ्वी खा जाएगी, मतलब ये निरावेशित कर देगी इसको। सारा का सारा जो करंट है कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, जिससे कि ये निरावेशित हो जाती है। ओके, तथा प्लेट एक्स को प्लस के आवेश दिया जाता है, इस एक्स को क्या दिया गया, प्लस के आवेश दिया गया है, जिसके कारण इसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही थ्योरी हमने यहाँ पर लिख चुके हैं, तो ये सारे की सारी थ्योरी आप इससे समझ सकते हैं। माना एक्स तथा वाई दो समांतर प्लेटें हैं। देखिए एक्स तथा वाई क्या है, दो समांतर प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है, डी है। तथा प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के भरा हुआ है, जिसे आवेशित करने के लिए प्लस का आवेश दिया गया है। इसको आवेशित करने के लिए क्या गया, प्लस का आवेश दिया गया है। प्लेट वाई को माइनस का आवेश दिया गया है, और प्लेट वाई को पृथ्वी से भी जोड़ दिया गया है। कहाँ से जोड़ दिया इसको, देखिए पृथ्वी से इसको कनेक्ट कर दिया है। जैसे कि आपने लाइट के तार देखे होंगे, जो पृथ्वी में जोड़ देते हैं अंदर जमीन के अंदर, तो उसका जो करंट है पृथ्वी के नीचे चला जाता है, जिससे कि वो निरावेशित हो जाता है, जिससे कि लाइट नहीं पकड़ती है। नॉर्मली आपने देखा होगा सड़कों पे। तथा प्लेट एक्स को प्लस की आवेश दिया गया, इसको प्लस की आवेश दिया गया, जिसके कारण इसमें विभव उत्पन्न हो जाता है। तो इस सारे की सारी थ्योरी काफ़ी आसान है, जो आप इससे लिख सकते हैं। और हमें सिद्ध करके लाना सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये फॉर्मूला हमें सिद्ध करना हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आप इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई, इंटेंसिटी बोलते हैं इसको। तो ई बराबर कहाँ पे, प्लेटों के बीच में क्या होती है, आपको याद करना पड़ेगा, ये होती है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये होती है ई बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए सिग्मा होता क्या है, चूँकि सिग्मा होता क्या है, ये होता पृष्ठ घनत्व, और पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन ए के। इसका मतलब क्या है कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को उसका पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो ये आपकी ये थ्योरी है पृष्ठ घनत्व की, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की उपस्थिति को या आवेश के परिमाण को उसका पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो आप इसकी थ्योरी याद कर सकते हैं। तो आप सिग्मा की जगह मान फिट कर सकते हैं, तो हम इसका मान फिट कर देते हैं, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर सिग्मा, सिग्मा की जगह क्या रख देंगे, क्यू अपॉन ए, और बटे में कौन है, बटे में कौन है, के एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये प्लेट का दूसरी पे जाएगी संख्या, तो देखिए क्या आ जाएगा, ई बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा क्यू अपॉन, क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन, ये प्लेट का पहुँचेगी दूसरी पे। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए, के एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये आ गया आपका ई का मान, इसका आ गया ई का मान। इसकी ई के मान की हमें आगे रखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है प्लेटों को आवेशित करने पर क्या होता है, विभव, विभव होता है बी बराबर होता है फॉर्मूला ई इंटू डी या ई गुणा डी, ई इंटू डी ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए बी बराबर क्या है हमारे पास, ई इंटू डी, तो हम ई का मान यहाँ पे फिट कर देते हैं, तो नॉर्मली इसका आंसर आ जाएगा निकल के। तो चलिए फ्रेंड्स आगे सॉल्व करते हैं इसको, काफ़ी आसान होने वाला डेरिवेशन है ये। ओके, देखिए तो B बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, E का मान हम रख दें क्या है, E का मान ये आ चुका है क्या है, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A इंटू में क्या है, D इंटू में क्या है, D। और चूंकि हम जानते हैं
सी बराबर क्यों होता है क्यू अपॉन बी। देखिए काफ़ी आईएमपी फॉर्मूला क्या है, ये संधारित्र की वैद्युत धारिता है, आवेश तथा विभव के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। हमें किसका मान, क्यू का मान चाहिए यहाँ पर फिट करने के लिए, तो क्यू का मान चाहिए तो बटे की संख्या इसकी गुणा में जाएगी, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा सी बी, इससे इसकी गुणा कर दें क्या आएगा सी बी, तो यहाँ पर मान इसका फिट कर दें आराम से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए देखिए फ्रेंड सी बराबर होता है क्यू अपॉन बी, वैद्युत धारिता क्या होती है क्यू अपॉन सी के, तो हमें क्यू का मान चाहिए तो बटे की संख्या गुणा में जाएगी, तो क्यू बराबर क्या सी बी, अगर हमें बी का मान चाहिए तो सी इसके गुणा में सी आ जाएगा क्यू के बटे में, तो बी बराबर आ गया क्यू अपॉन सी, तो हम बी का मान क्या फिट कर सकते हैं हमें क्यू अपॉन सी, तो अब बी की जगह हम क्या रख देंगे क्यू अपॉन सी। इधर क्या है फ्रेंड्स, इधर सारा का सारा ये लिख लें क्यू अपॉन के एफ साइलन नोट ए इंटू में डी, तो देखिए क्यू से क्यू कटेगा, देखिए ये गुणा की मतलब बराबर में जो संख्या होती है वो कहाँ आती है बटे में आती है, बटे में आ जाती है, या फिर कह सकते हैं गुणा की संख्या बटे में आ जाती है बराबर में जाके, तो ये एक बार काटेगा क्यू करना क्यू, तो यहाँ से आ जाएगा वन अपॉन सी, क्या आ जाएगा वन अपॉन सी, यहाँ से क्या आएगा डी से वन की गुणा करेंगे तो डी करना डी अपॉन में क्या आ जाएगा के एफ साइला नोट ए। तो देखिए हमें किसका मान चाहिए, हमें सी का मान चाहिए संधारित्र की धारिता का, तो वन अपॉन सी का अपोजिट क्या हो जाएगा सी, किसी भी चीज़ का उल्टा करना हो तो ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर बुझा दें, ऊपर वाले को नीचे बुझा दें, तो नीचे एक लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, तो इसको भी पलट दें क्योंकि हम इसका उल्टा कर रहे हैं, तो आ जाएगा के एफ सेलो नोट ए अपोन में डी अपोन में डी, ये क्या करना था हमें सिद्ध करना था, और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था फ्रेंड्स, सी बराबर के एफ सेलो नोट ए अपोन में डी, सी बराबर के एफ सेलो नोट अपोन में डी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उम्मीद है को आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।